नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M32 के बारे में। ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको इस फ़ोन के सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा और साथ ही दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस क्या होने वाली है, कितने का दोस्तों ये मुझे अमेज़न से मिला है, क्योंकि इसको मैंने अमेज़न से मंगाया है तो ये कितने का मुझे पड़ा है, और दोस्तों इस फ़ोन के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बैक नहीं प्रेस कर दें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ और दोस्तों इस फ़ोन के सारे फीचर्स के बारे में आपको बता। दोस्तों जो है वो बॉक्स जो मैंने अमेजन से फ़ोन का दोस्तों मंगाया था M32, तो कुछ इस तरह की पैकिंग में मुझे देखने को मिला था, तो मैंने चेक करने के लिए पैकिंग को उसी टाइम पे इस कार्ड दिया था। तो इस तरह की कुछ पैकिंग मिलती है तो J M32। और दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है बिल और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों रेट क्या है जी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जी है दोस्तों M32, ये देखिए डिजाइन कुछ इस तरह की है। और इसमें दोस्तों हमें मेन फीचर में क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का दोस्तों जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसमें मेन कैमरा 64 दोस्तों मेगापिक्सल का है। 6000 mAh की बैटरी दी गई है 15 वाट के फास्ट चार्जर के साथ, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 6.4 इंच की दोस्तों डिस्प्ले होने वाली है। फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ खास फीचर नहीं है, बट ये एम सीरीज का फ़ोन है जो कि आपको अच्छी प्राइस में देखने को मिल जाता है। सैमसंग की ब्रांड आपको अच्छी दोस्तों प्राइस में देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसे ओपन करता हूँ। और दोस्तों इस फ़ोन की अगर MRP की बात करूँ तो इस पर दी गई है 18,999 रुपये, बट एक्चुअल प्राइस क्या है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए ओपन करते हैं इसे दोस्तों। जी है कुछ इसका अलग दूसरा बॉक्स जो हमें देखने को मिलता है। देखिए इसके अंदर हमें क्या मिलता है दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। इसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कवर दोस्तों इस फोन में हमें देखने को नहीं मिलता। और जो मिलती है दोस्तों सिम इजेक्ट पिन, जैसे आप अपने सिम या मेमोरी कार्ड इस फोन में लगा सकते हो। इस फोन में हमें कवर देखने को नहीं मिलता, तो इस बात को ध्यान रखना, आपको कवर अलग से लेना पड़ेगा। जी है डिवाइस को मैं भी आपको दिखाऊंगा। जी है दोस्तों 15 वाट का चार्जर, जिसे आप फास्ट चार्जर बोल सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि अभी आज के टाइम में दोस्तों 33 वाट के चार्जर आ रहे हैं, बट सैमसंग हमें अभी भी 15 वाट का चार्जर ही देता है। जी है इसकी डाटा केबल जो दोस्तों माइक्रो जो टाइप सी वाली डाटा केबल ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। टाइप सी वाली केबल है ये देखिए। और दोस्तों ईयरफोन इस बॉक्स के अंदर अगर नहीं मिलते तो चीज सब कुछ मिलता है जो मैंने आपको दिखाया है, और कुछ नहीं है इस फ़ोन में। अब दोस्तों चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों ये है फ़ोन, जैसे मैं रैपर से निकालता हूँ पहले तब आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी इस पर दोस्तों देखिए चुपका के दी गई है। तो जी है दोस्तों वो मेन फ़ोन जिसके ऊपर दोस्तों कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगा के दी है, जैसे वीवो और ओप्पो दोस्तों हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर फ़ोन के ऊपर लगा के बेचते हैं, उस तरीके से सैमसंग ने कुछ भी यूज नहीं किया। और ना ही दोस्तों इस पर कोई ग्लास है, सॉरी दोस्तों ना ही दोस्तों इसके ऊपर कोई कवर लगा हुआ है। तो जब भी आप इस फ़ोन को ऑर्डर करो तो उससे पहले दोस्तों साथ में ही आपको इस पर ग्लास लगवा लेना है और एक कवर बुक कर देना है, क्योंकि हमें कंपनी ये दोनों चीज़ हमें नहीं देती। तो चलिए इस फ़ोन की पहले मैं बात करता हूँ रैम रोम की। तो ये फ़ोन दोस्तों है 6GB और 128GB वेरिएंट के साथ, जो कि इसका मेरे पास ब्लू कलर है। देखिए इसका जो ब्लू कलर है इसमें हमें कुछ रेनबो लाइनें हमें देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में। बट दोस्तों जिसका अगर आप उंगली से इस तरीके से टच करके देखोगे तो कुछ भी फील नहीं होगा कि इसमें कोई लाइन है कि नहीं है, क्योंकि एकदम दोस्तों सिंपल डिजाइन है, कोई भी उंगली से
पता नहीं लग रहा, बट देखने में इसमें हमें लाइनिंग लाइनिंग नहीं आ रही हैं। इसका दोस्तों क्वाड कैमरे का सेटअप है, इसमें चार कैमरे दिए गए हैं पीछे। दोस्तों इसका जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, बाकी कैमरे तो छोटे मोटे हैं दोस्तों, बट सैमसंग कैमरे अच्छे होते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका 20 मेगापिक्सल का यहाँ पे जी है दोस्तों। इसके अंदर हमें 3.5 mm जैक मिलता है जैसे दोस्तों। इसका स्पीकर है माइक, और दोस्तों ये है USB टाइप सी केबल, और जो है इसका स्पीकर। दोस्तों इस फ़ोन में हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर देखने को नहीं मिलता, तो आपको सिंगल स्पीकर से ही काम चलाना पड़ेगा। ये दोस्तों इसका पावर ऑफ बटन, जिसके अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, और ये दोस्तों इसका वॉल्यूम अप डाउन बटन। ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं दिया गया, ऊपर दोस्तों नॉइज़ सेकेंड मार्क जो होता है वो दिया गया है। लेफ्ट साइड दोस्तों पूरी खाली है, यहाँ आपको सिम ट्रे मिलती है। अब दोस्तों इसमें आप दो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड दोनों लगा सकते हो, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए इस फोन में आप ट्रिपल स्लॉट जो होते हैं वो लगा सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सको। ये देखिए इसमें आप दो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हो, और आप इसमें दो 4G सिम चला सकते हो एक साथ। बट आपको ध्यान रखना है कि ये फ़ोन सिर्फ 4G है, 5G नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे दोस्तों अभी इंडिया में 5G आने में काफ़ी टाइम है, तो हमें 5G ज़रूरत भी नहीं है। अब दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक 6.4 इंच डिस्प्ले है इसकी, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। चलिए दोस्तों मैं इसे ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन मैंने सेटअप कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस इस फ़ोन में देखने को मिलता है जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे तब। और इसके अंदर दोस्तों हमें बैटरी 50% से ऊपर देखने को मिलती है जो कंपनी हमें देती है, तो दोस्तों अच्छी बात है, आप एक दिन इसे यूज़ कर सकते हो बिना चार्ज किए। अब दोस्तों इसके फीचर की बात करो तो जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, चलिए चलते हैं सेटिंग के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इसे डिस्प्ले के अंदर जाके, तो दोस्तों देखिए इसके अंदर हमें मिलता है 19Hz का रिफ्रेश रेट, जो दोस्तों 120Hz का नहीं है बट 19Hz का है, तो काफ़ी अच्छी बात है। 19Hz भी दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है, बट दोस्तों अगर आप चाहते हो इसे स्लो पे चलाना तो आप इसे 60Hz भी कर सकते हो, तो दोस्तों एक अच्छी बात है। इसमें अंदर 19Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं दोस्तों सैमसंग के फोन में देखने मिलते हैं। अबाउट फोन में चलते हैं, अबाउट फोन में क्या क्या मिलता है तो दोस्तों देखिए, जे इसका मॉडल नंबर है, जे इसका EMI नंबर है, और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाकर देखते हैं तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है भी आउट ऑफ बॉक्स 3.1 और एंड्रॉयड 11। बट दोस्तों अगर जैसे ही आप इसे नेट से कनेक्ट करते हो तो इसके अंदर शायद आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाए। चलिए चेक करते हैं, मैं इसे अपने वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, दोस्तों कनेक्ट कर लूँ मैं एक बार। तो दोस्तों इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें कोई अपडेट मिलता है या नहीं मिलता, चेक करते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ तक मुझे उम्मीद है अपडेट मिलना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड 11 काफ़ी पुराना हो चुका है सैमसंग के डिवाइस में। तो देखते हैं दोस्तों इसमें हमें अभी कोई अपडेट नहीं मिल रहा, इसको हमें एंड्रॉयड 11 पर ही यूज करना पड़ेगा, और इसका सॉफ्ट बेस डिलीवरी दोस्तों 1 फरवरी का है, तो ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है लॉन्च हुए, तो इस वजह से इसमें हमें इतनी जल्दी अपडेट देखने को नहीं मिल रही। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आ जाएगा। अब चलो दोस्तों चलते हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि आप इसमें अंदर दोस्तों आपको क्या क्या फीचर देखने मिलते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं कॉल सेटिंग में, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने मिलता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए आप इसमें कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है, आप इसके अंदर अपने फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि दोस्तों हमें काफ़ी और कंपनियाँ नहीं देती,
तो इसके अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों मेन फीचर की तरफ, दोस्तों कैमरा। तो मैं कुछ आपको फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ यहीं पर सैम्पल। ये देखिए दोस्तों, मैंने फ़ोटो खींचा है जिसकी मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कैमरे के मामले में सैमसंग कहीं पीछे नहीं हटता, कैमरा सैमसंग का हमेशा ही बढ़िया रहता है। दोस्तों कैमरा काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो मैंने कितना इसको जूम किया, फिर भी दोस्तों फ़ोटो बिल्कुल भी फट नहीं रही है। ये देखिए, तो इस तरह का दोस्तों कुछ फ़ोन है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इसे अमेजन से ले सकते हो, जो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और दोस्तों जियो बैग है, ये प्लास्टिक है, तो आप इसे गिलास ना समझें, ये सिर्फ एक प्लास्टिक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इस फ़ोन की प्राइस की। दोस्तों ये मैंने अमेजन से ख़रीदा है 14,999 का, यानी दोस्तों 15,000 रुपये का दोस्तों मैं ये मैंने अमेजन से लिया है। और दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्योंकि अगर आप 15,000 रुपये में किसी और कंपनी का फ़ोन देखते हो तो आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे दोस्तों रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, और दोस्तों वीवो वगैरह जो होते हैं। बट अगर आप सैमसंग देखते हो तो सैमसंग में दोस्तों हमें इतने सारे फीचर देखने को नहीं मिलते जो हमें और कंपनी देती हैं। बट दोस्तों सैमसंग जो होती है एक नामी ब्रांड होती है, तो काफ़ी लोग सैमसंग को भरोसा करते हैं, इसलिए तो सैमसंग हमें ज़्यादा पैसों में थोड़े कम फीचर देता है और कंपनी के मुताबिक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।